हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कॉस्ट का फोर्थ पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फिल कॉस्ट शेड्यूल। तो जो आपको टेबल एक क्वेश्चन में दी होगी, उसमें हो सकता है कि आपको मिसिंग नंबर्स पूछे हों, आपको वो फिल करने हो, या आपको आउटपुट दिया हो और इसमें से टीसी दिया हो या टीवीसी दिया हो, उससे आपको बाकी सारी फिल करनी हो। ओके, ये सब फिल करने से पहले जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलेस क्या है बेसिकली। तो जो सबसे पहला आपका फॉर्मूला आता है वो होता है व्हाट इज टीसी। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। टीसी होता है टोटल कॉस्ट, जो आपकी इक्वल होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अगर आपको टीसी दिया हुआ है और टीएफसी पता है तो टीवीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको टीवीसी पता है, टीएफसी पता है, तो इन दोनों के टोटल से आप टीसी निकाल सकते हैं। तो इनको कैसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है टीसी एट जीरो, टी एफ सी एट जीरो आउटपुट कुछ आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स वो आपका फिक्स्ड है सारी यूनिट्स के लिए। तो अगर ये ध्यान रखिएगा, टी सी एट जीरो इज टी एफ सी, क्योंकि टी वी सी हमेशा जीरो होता है उस टाइम पे। तो जैसे ये हम टेबल करेंगे तो इसमें मैं आपको समझा दूंगी कैसे करना है। ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये पर यूनिट निकाल देता है। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। नेक्स्ट इज ए वी सी, ए सी जो है एवरेज कॉस्ट आपका टोटल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड द लास्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है टोटल कॉस्ट में जो भी एडिशन होता है वन मोर आउटपुट के आने से या एड होने से, जो भी कॉस्ट में बढ़ रही है, तो वो आपका अगर आप माइनस कर देंगे उससे पहले वाला टीसी माइनस टीसी एन माइनस वन, देन यू विल गेट द एमसी। तो ये आपको सारे फॉर्मूलेज जो हैं क्लियर हो जाएंगे इस टेबल से जब भी हम करते हैं। ठीक है, अब मान लो अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है कि आउटपुट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, कि जीरो आउटपुट मीन्स जब कुछ भी आपने प्रोडक्शन नहीं किया, और आपको बस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 60 है एट जीरो आउटपुट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर मेरी 60 है एट जीरो आउटपुट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो पे जितनी थी उतनी ही पूरे टाइम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरी टीएफसी जो है, चाहे मैं कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूँ, इट विल बी 60 ओनली। एक टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सेम है। टीवीसी मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मान लो टीवीसी नहीं दिया होता, टीसी दिया होता, तो आप टीसी में से टीएफसी माइनस कर देते तो टीवीसी निकल जाता। अब इस क्वेश्चन में हमें टीवीसी दिया हुआ है, तो टीसी क्या होता है, टीसी इज टीएफसी प्लस टीवीसी, दैट मीन्स सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। ठीक है, लिखा हुआ है ना, टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देन वी विल गेट टीसी। तो 60 प्लस 0, दिस इज 60, देन 80, देन 90, एंड दिस इज 108। इन दोनों को किया, दिस इज 128 एंड दिस इज 170। आई होप इट्स क्लियर। अब आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी निकल गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम एवरेज वाले फिल करेंगे। एवरेज फिक्स्ड क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं आउटपुट से तो मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली जो है वो तो 60 डिवाइड बाय 0 कुछ नहीं है। आप अब करेंगे 60 डिवाइड बाय 1, यू विल गेट 60 ओनली। ठीक है, फिर 60 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 30, देन 108 डिवाइड बाय 3, यू विल गेट 128, सॉरी 160 डिवाइड बाय 3, यू विल गेट 20, देन 60 डिवाइड बाय 4, यू विल गेट 15, एंड 60 डिवाइड बाय 5, यू विल गेट 12। तो ये आ गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया, यानी सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज ही आ गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिए,
तो हम थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, टीवीसी डिवाइड बाय नंबर वन। तो टीवीसी जीरो से जीरो डैश हो गया, 60 में से वन गया 60, ठीक है। सॉरी सॉरी, 20 डिवाइड बाय दिस 20 डिवाइड बाय वन, देन 30 डिवाइड बाय 2 15, देन 48 डिवाइड बाय 3 दिस विल बी 16, 68 डिवाइड बाय 4 दिस विल बी 17, एंड 110 डिवाइड बाय 5 दिस विल बी 22। अब आपने देखा AFC निकालने के लिए TFC को डिवाइड किया इससे, ABC निकालने के लिए TBC को डिवाइड किया इससे। अब ऐसे ही अगर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट AFC प्लस ABC भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड भी कर सकते हो चाहे आप डिवाइड करके कर लो। तो आपका आंसर आएगा 80, देन 45, देन 36, एंड दिस इज 32 एंड 34। आई होप क्लियर हो गया सारा। अब लास्ट हमारा बचता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारी होती है जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है ना, इसमें जो भी एडिशन हो रहा है। पहले जीरो आउटपुट पे 60 था, ठीक है, तो हम कुछ नहीं मानेंगे। देन वन आउटपुट पे आपका 80 हो गया, तो कितना बढ़ गया आपका 20, तो दिस इज 20। फिर 80 से 90 हो गया तो 10 बढ़ गया, फिर 90 से 108 दैट मीन्स 18, 108 से 128 दैट मीन्स 20, और इससे ये हो गया ये 42। तो इस तरह आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब इस इन क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है कि आपको कुछ फिगर्स वो मिस कर दें, कुछ फिगर्स आपको दी हों, बस बेसिक आपके फॉर्मूले सेम रहेंगे, आप कुछ नहीं करना है। टोटल कॉस्ट आपको बस ये ध्यान रखना है, टोटल कॉस्ट TBC प्लस TFC होता है, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ दी होगी आप उससे निकाल लेंगे। अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में से कुछ दिया हुआ उससे आप मल्टीप्लाई कर दें अगर आउटपुट से, क्योंकि आपने डिवाइड करके आपने एवरेज निकाल लिया था, लेकिन एवरेज में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट तो आपके टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट के आंसर्स निकल जाएंगे। तो आप इससे ये निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट आपकी निकली है TC से, और हो सकता है क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट दी हो, तो आप ऐड कर करके, मान लो आपको 20 दी है और टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, अगर 60 पहले ये था फिर आपको ये नहीं दी हुई, मान लो 80 फिगर नहीं दी हुई, तो आप 6 अगर ये वाली फिगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 60 टोटल कॉस्ट थी पहले, अब हमें बस ये पता चल जाएगा अच्छा MC ये है, इसका मतलब 20 इंक्रीज हुआ है इसमें, तो 60 प्लस 20 80, फिर 80 दिया हुआ है नेक्स्ट निकालना है तो 80 प्लस 10 90। तो आप इससे ये फिगर्स निकाल सकते हैं, इससे ये फिगर्स निकाल सकते हैं, इनमें से कोई भी फिगर्स आपके मिस करके वो दे देंगे, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट आप ये फॉर्मूलेज प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। बाय।